हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो फोन है। लेफ्ट साइड में है Redmi Note 7 Pro और हमारे राइट साइड में है Redmi Note 8। इन दोनों के अंदर जो है हम Flyme OS 10 जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 7 Pro और ये है Redmi Note 8। तो दोनों के अंदर आज हमने एक ही OS जो है Flyme OS उसको इंस्टॉल कर रखा है। दोनों फोन्स की zip फाइल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी जहां से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो मैं दोनों फ़ोन के बारे में बता दूंगा। दोनों फ़ोन में फीचर्स जो है एक जैसे ही हैं, तो मैं एक ही फ़ोन के ऊपर आपको सारे के सारे फीचर्स इसके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं Redmi Note 7 Pro के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर इस टाइम पे मैं जियो का सिम यूज़ कर रहा हूं, ताकि मैं आपको दिखा दूं कि जो वोल्ट है यानी आपका जो कॉलिंग वगैरह है वो काम कर रही है कि नहीं। तो ये देखिए, हम एक कॉलिंग करते हैं इसके अंदर 198, जो कि इसका कस्टमर केयर नंबर है जियो का 198। तो ये देखिए, कॉल जो है कनेक्ट हो जाती है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कॉल कनेक्ट है। ये देखिए, स्पीकर में डालता हूँ तो कॉलिंग वगैरह में सचेस कोई इशू नहीं है। आपको ऊपर HD का आइकन आप स्टेटस बार पे देख पा रहे होंगे, आपको ऊपर HD का आइकन देखने को मिल रहा है, यानी वोल्ट का फीचर इसमें एक्टिवेट है। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक इसके अंदर परफेक्टली काम कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फेस अनलॉक से हमारा फोन जो है अनलॉक हो चुका है। उसी तरीके से अब मैं आपको फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर देता हूँ इसको। ये देखिए फिंगरप्रिंट से भी ये हमारा फोन जो है अनलॉक हो गया। तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक और पैटर्न लॉक वगैरह सारे इसके अंदर परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो अब चलते हैं Redmi Note 8 के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे फीचर्स जो है इस फोन के दिखाने वाला हूँ, क्या इसके फीचर्स हैं और कैसे आप इसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस दोनों फोन का एक जैसी है, बस फाइल्स डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ लुक आपको इस तरीके का आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। आप इस पर डबल टैप करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ऐड विजेट और वॉलपेपर, जहां से आप इनके वॉलपेपर और डायनेमिक वॉलपेपर्स को यहां पे इजीली यूज कर सकते हैं। एक बार जो नीचे आपको बटन देखने को मिल रहा है, इस पर टैप करते हैं तो बैक चला जाता है आपका फोन। इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। आपको जिसके अंदर डिफॉल्ट कैमरा मिलता है, वो आपको इसके अंदर जो है गूगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि डेवलपर ने इसके अंदर गूगल कैमरे को पोर्ट किया हुआ है, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे देखने को नहीं मिली है। फोटोज वगैरह पोर्ट्रेट मोड और नॉर्मल मोड पर भी इसके अंदर पिक्चर्स जो है परफेक्टली क्लिक हो रही हैं। क्योंकि सेटिंग्स पैनल जो है आपको कुछ इस तरह का आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपके वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी और भी कुछ मिल जाते हैं, जैसे DND, नाइट मोड, लो पावर, एक्सेलेटर स्क्रीन और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख पा रहे होंगे आपको हॉटस्पॉट, आई फ्रेंडली, स्क्रीन शॉट, स्मार्ट टच, ड्राइविंग मोड और VPN के भी कुछ ऑप्शन आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं। सब एप्लीकेशंस के अंदर आपको कोई ना कोई एनिमेशन इफेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। कैलेंडर का लुक आपको कुछ इसके अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल सा लुक आपको बिल्कुल इसमें देखने को मिलता है। अगर हम गैलरी की बात करें तो गैलरी भी चलता हूं, मैं आपको गैलरी दिखा देता हूं। गैलरी आपको कुछ किस तरीके की मिलती है, गैलरी आपको फोटोज, एल्बम्स और मोमेंट्स कुछ ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर मेनू पर आप टैप करते हैं तो आपको कॉलेज, न्यू, मैनेज फोटो टैप्स, रिसाइकल बिन और यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के अंदर जाएं तो आपको काफ़ी सारे टूल्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी की एप्लीकेशन हमारे फ़ोन पर रन कर रही है। क्लीन एंड स्पीड अप का भी ऑप्शन मिलता है, जो फ़ोन को ऑप्टिमाइज करता है ताकि परफॉर्मेंस आपके फ़ोन की बेटर हो सके। ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे क्लीन अप, डाटा, ब्लॉक लिस्ट, परमिशंस, आपको बैटरी मैनेजर, कुछ इस तरह का आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें आपको पावर यूसेज डिटेल्स यहाँ सारी के सारी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद लो पावर मोड आपको इसके अंदर मिल जाता है, उसके बाद सुपर सेविंग मोड भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको बैटरी का लुक इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर बात करें म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, तो परफेक्टली काम कर रहा है। फाइल मैनेजर कुछ आपको इस तरीके का इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको स्टोरेज और क्लीन नाउ के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी आप हर फाइल्स को यहाँ पर अलग जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे वीडियोस, पिक्चर्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, जिप फाइल्स, APK डाउनलोड्स, इन सबको आपको काफ़ी सारी इसके अंदर चाइनीज़ एप्लीकेशन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उनको ओपन ना करें। जैसे आप उनको ओपन करेंगे, सारी चीज़ें से हैं चाइनीज लैंग्वेज में लिखे आती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या क्लिक करना है, क्या नहीं क्लिक करना है। गलत क्लिक करेंगे, एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा और कोई ना कोई फालतू की एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी भी चाइनीज एप्लीकेशन को हाथ ना लगाएं। आपको जाना है तो सिर्फ ऐप स्टोर में जाएं, ऐप स्टोर में जाके आप जो है कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में आप सर्च कर सकते हैं, बट आपको जो सारी के सारी जो इसके अंदर डिटेल्स देखने को मिलेंगी वो आपको चाइनीज लैंग्वेज में ही इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अगर टूल बॉक्स के जाएं तो टूल बॉक्स के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फ्लैशलाइट, मिरर, कंपास, लेवल, रूलर मिल जाता है, आपको मैग्नीफायर मिल जाता है या रैंडम डेसिबल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर यहाँ पे चेकआउट कर पाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने रूलर पे टैप किया है, रूलर आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। उसी तरीके से आपको इसके अंदर थीम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप थीम्स, फॉन्ट्स, रिंगटोन्स, वॉलपेपर्स, इन सबको यहाँ पे इजीली सेटअप भी कर पाते हैं।
कुछ और चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखेंगे आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको क्लॉक मिल जाती है, क्लॉक का कुछ विजेट आपको इस तरह का आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो वेदर का विजेट है उसके अंदर भी आपको एक एनिमेशन सा इफेक्ट आपको अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको इसके अंदर जो है काफ़ी सारी इसके अंदर एनिमेशन इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आप चलते हैं सेटिंग्स पैनल के ऊपर और सेटिंग्स पैनल में चेकआउट करते हैं आपको क्या क्या मिलता है। जैसे कि मैंने बताया जियो का सिम परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें सचैस कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस आई फ्रेंडली मोड मिल जाता है आपको, जिसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद जो है आई फ्रेंडली मोड जो है आपके फोन के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। ये ऑप्शन भी आप इसके अंदर देख पाते हैं। इसके अंदर आपको नाइट मोड यानी डार्क मोड मिल जाता है, ये देखिए आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद किस किस एप्लीकेशन के ऊपर आपने इनको इनेबल करना है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किन किन एप्लीकेशन के ऊपर भी डार्क मोड को एक्टिव करना है, जो कि इसमें परफेक्टली काम कर रहा है इसके अंदर। तो डार्क मोड इसके अंदर परफेक्टली काम करता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो मिल जाता है, बट दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है LCD स्क्रीन के ऊपर काम नहीं करता है। तो आप इसको इनेबल भी कर देंगे तब भी ये काम नहीं करेगा, जैसे कि मैंने इनेबल कर रखा है ये काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है सिर्फ AMOLED स्क्रीन के ऊपर ही काम करता है, LCD स्क्रीन के ऊपर काम नहीं करता। अगर आप किसी तरीके से एक्टिवेट भी कर लेते हैं देन आपके फ़ोन के लिए ही वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके फ़ोन की बैटरी बैकअप में भी फर्क पड़ेगा और आगे चल के आपको स्क्रीन बर्न के भी इशू देखने को मिल सकते हैं। डिस्प्ले मोड पर जाएं, आपको एडेप्टिव स्टैंडर्ड फोटो और डायनेमिक ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। कलर टेम्परेचर के ऑप्शन आप यहाँ पे देख पाते हैं, जहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, वार्म कोल्ड जो भी आपको चाहिए उसको सेट कर लीजिए। अगर रीसेट करना है तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है, आप इसको रीसेट कर दीजिए वो रीसेट हो जाता है। उसी तरीके स्क्रीन जूम एंड फॉन्ट साइज के भी आप उसको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको जूम करना है तो कुछ इस तरीके आपको देख पा रहे होंगे आपके आइकन्स बड़े हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, आइकन साइज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ऑप्शन आप इसके अंदर यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। ईजी मोड मिल जाता है, अगर आपको लगता है कि नहीं कोई फ़ोन जो है आपके पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं जिनको ज़्यादा फीचर्स के बारे में पता नहीं है, तो इसको इनेबल करने के बाद आपको सिंपल सा मोड मिल जाएगा जिसमें कुछ आइकन्स होंगे, ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे डायलर पैड नॉर्मल हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको ईजी मोड में यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ऑल स्क्रीन डिस्प्ले मोड मिल जाता है, यानी कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको कैसे यूज़ करना है वो ऑप्शन भी आप इसके अंदर देख पाते हैं। ऑटो लॉक और ऑटो रोटेट भी आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में देख पा रहे हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएं तो आपको म्यूजिक रिंग वॉल्यूम नोटिफिकेशन सारे मिलते हैं, साथ ही साथ आपको वाइब्रेट फेड इन फोन रिंग टोन SMS अलर्ट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। थीम एंड वॉलपेपर का सेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया है, आपको इसके अंदर काफ़ी सारी थीम्स वगैरह मिल जाती हैं जिनको आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस आप इसके अंदर यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप नेविगेशन एंड शॉर्टकट्स पर जाते हैं तो नेविगेशन में जो है हम इनके जो अपने डिफॉल्ट MBAC को यूज़ कर रहे हैं, आप इजी जेस्चर्स या नेविगेशन बार को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको स्मार्ट टच और कुछ और ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे डबल प्रेस पावर बटन पर आपने क्या रिस्पॉन्स रखना है, जेस्चर वेकअप रखना है, तो ये कुछ ऑप्शन इसमें काम करते हुए यहाँ पे मिल जा रहे हैं आपको। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप नोटिफिकेशन मैनेजमेंट जो कर सकते हैं, किन एप्लीकेशन की आपको नोटिफिकेशन चाहिए और किन की नहीं चाहिए उनको आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे शो नेटवर्क स्पीड आपको भी मिल जाती है जिसको आप यहाँ से इनेबल करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऊपर नेटवर्क स्पीड देखने को मिल जाती है, बैटरी परसेंटेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये बैटरी परसेंटेज आपको इनसाइड द आइकन चाहिए या नो, वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जैसे कि मैंने बताया फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वगैरह से परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें सचेस आपको कोई और इशू नहीं है। आपको वॉल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इमरजेंसी SOS में जाएं तो आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर आप जो पावर के बटन को दबा के जो है कुछ SMS को सेंड कर सकते हैं या फैमिली गार्ड को भी इसके अंदर यूज़ कर पाते हैं। साइबर सेफ्टी में जाएं तो साइबर सेफ्टी में आपको इनके जो है सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, किन एप्लीकेशन के ऊपर क्या यूज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। इस तरीके से स्क्रीन और डिजिटल वेलबींग की तरह भी काम करता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐप्स में जाते हैं तो आप इसके ऑल ऐप्स यानी कि नोटिफिकेशन परमिशन वगैरह को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी का लेआउट आप देख ही चुके थे, कुछ इस तरीके का आपको इसमें लेआउट यहाँ पे देखने को मिलता है। AICY जो है इनका एक तरीके से असिस्टेंट है जो कि चाइनीज लैंग्वेज में काम करता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको यूज़ ना करें। अगर आप इसको रिकमेंड करते हैं तो हर 2 मिनट बाद ही पॉपअप होना शुरू हो जाता है आपके फ़ोन पे। आपको फ्लाइंग लेबोरेटरी का भी एक ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। एक्सेसिबिलिटी में वही आपको गेम मोड मिल जाता है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जैसे पाम रिजेक्शन वगैरह जिनको आप इजीली इसके अंदर यूज़ कर पाते हैं। ये मैंने इसके अंदर खेला नहीं है, मोस्टली गेम्स को खेलता नहीं हूँ इसके अंदर। आपको ड्राइविंग मोड सर्च ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। बाकी अकाउंटेंट सिंक लैंग्वेज टाइम स्टोरेज बैकअप सिस्टम अपडेट ये सारे मिल जाते हैं। अब तो ओवरऑल जो है हमने सारा सेटिंग्स का पैनल जो है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो कुछ आपको इस तरह का आपको इसके अंदर लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें इंस्टॉल करने के लिए तो आपको सिर्फ एक जिप फाइल चाहिए जिसको आपने इंस्टॉल करना है। हाँ, गूगल ऐप्स इसके अंदर आपको इंस्टॉल नहीं मिलते हैं, उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, एज ए डेली ड्राइवर तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चाइनीज़ के ब्लॉटवेयर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे इसके अंदर चाइनीज़ के एप्लीकेशन है, हर जो 2-2 मिनट बाद जो है पॉपअप होते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ पर क्या क्लिक करना है, कहाँ नहीं
एप्लीकेशन है, आप गलती से क्लिक कर देते हैं एक नया पेज खुल जाता है और वो पॉपअप विंडो जो आपके फ़ोन पर चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा बुरा लगा है मुझे कि चाइनीज़ एप्लीकेशन इसके अंदर बहुत सारी हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन मिलती हैं और समझ में भी नहीं आता है कि ऐप स्टोर से आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं और क्या डाउनलोड नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें तो आपको इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इसके फोल्डर में जाएं तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का भी अवश्य मिल जाता है, जिसमें कॉमन और साइंटिफिक आपको दो तरीके की कैलकुलेटर यहाँ पे आप इसके अंदर देख पाते हैं। नोट्स, ईमेल, वेदर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मिल जाती हैं जिनको आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको रिकॉर्डर भी इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको कस्टम रिकवरी आपके फ़ोन में चाहिए होती है। तो हमने एक जिप फाइल जो है जिसको अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लिया है। तो ये देखिए, ये है वो जिप फाइल नोट 8 की फ्लाइम 8.00 जो कि 1.95 GB की है। अगर आप नोट 7 प्रो के यूज़र हैं देन आप नोट 7 प्रो की फाइल को यूज़ करेंगे, अगर आप नोट 8 के यूज़र हैं तो देन आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है। उसके बाद सिंपली जो है आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने के लिए भी आपको पहले ये इसी वॉइस का असिस्टेंट आता है, उसके 3 सेकंड बाद आपको ऐसे पावर ऑफ और रिस्टार्ट का बटन अपने फ़ोन पर देखने को बोलता है। तो मैं एक बार पावर ऑफ कर देता हूँ फ़ोन को ताकि हम जो है रिकवरी मोड पर बूट कर सकें। और अपने डाटा का बैकअप जरूर लीजिएगा क्योंकि आपका डाटा जो है इसमें डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें फॉर्मेट डाटा एक बार करना पड़ेगा। तो अब हम रिकवरी मोड पर जाते हैं, वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखते हैं। मैं इस टाइम पर नोट 8 के अंदर जो है TWRP की कस्टम रिकवरी को यूज़ कर रहा हूँ, तो हम TWRP के थ्रू इसको फ्लैश करेंगे। नोट 7 प्रो के अंदर मैंने ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज़ की थी तो इसके अंदर हमने ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी से इस रोम को इंस्टॉल किया था। तो ये देखिए, हम रिपे आ चुके हैं, वाइप पे जाइए, एडवांस वाइप, टल्वी कैश कैश सिस्टम और डाटा को वाइप कर देंगे आप स्वाइप टू वाइप। जैसे ही आपके सारे पार्टीशन आप वाइप कर देते हैं, सिंपली बैक चाहिए इंस्टॉल और जो रोम की फाइल है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। ये नियर अबाउट 2 to 3 minutes लेता है इंस्टॉल होने का, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये रोम जो है सक्सेसफुली हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाए। तो ये देखिए, फाइनली जो है हमारा रोम इंस्टॉल हो गया है। आप वाइप पे जाएंगे, फॉर्मेट डाटा यहाँ पे लिखेंगे YES, ओके दैट्स इट। अब आप रिबूट सिस्टम कर देंगे, स्वाइप टू रिबूट, एंड अब आपका फ़ोन जो है फ्लाइंग OS के ऊपर बूट करेगा। आपके फ़ोन के ऊपर फ्लाइंग OS की बूट स्क्रीन आएगी, दैट मीन्स की रोम आपने सक्सेसफुली अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कर लिया है। तो ये देखिए, फ्लाइंग OS की जो बूट स्क्रीन आ चुकी है, दैट मीन्स रोम हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का रोम और आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।